इशू ये सीगा कि 24 तरीक रात को आए डॉक्टर हरवीन तो पर्चा कटा के गए हैं जी। उत्थे ही कुछ प्रॉब्लम आई है जिस तरह डॉक्टर साहब नू एज पर डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भी मैनू प्रेशर पा रहे थे कि भी ब्लंट हैगी है शार्प, इस तरह का कुछ इशूज अराइज होया। उत्थों इन्हां दी बहस बूस हुई, डॉक्टर साहब कहिंदे भी मैं क्या जो भी बनता सरदा मैं कर दाँगी। उसके बाद उन्होंने कहिंदे कि मैं पर्चा कटिया, पेशेंट नू एडमिट भी किया, एज पर सारी इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की। और इन द मीन टाइम 26 तरीक न जेडे कंप्लेनेंट्स है इन्होंने इन्हों वालों भी सानू कंप्लेंट आई है कि भी साढ़े ना मिसबिहेव किया है डॉक्टर ने, साढ़े तो पैसे मंगे गए हैं और साडा प्रॉपर परचा नहीं कटिया गया। सो देखो ये मतलब डेमोक्रेसी है, दोनों धड़िया की आप गल सुननी होंगी है। जे आप डॉक्टर हरवीन की सुन रहे हैं तो आम पब्लिक की नहीं सुनेंगे क्या? उन्होंने भी सुनना साडा फर्ज है, उन्होंने असी कंप्लेंट ले लेगी और इन्वेस्टिगेशन पर असी बोर्ड बना दिता गया। अज वो बोर्ड वा की कार्रवाई करनी सी, इन्हों भी बुलाया गया सीगा, पर उस तो पहले मैं क्या नीचे कट्ठे होकर कुछ प्रदर्शन वगैरह या जो भी है इन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दी, वो बाद आए हैं साढ़े को। इन्होंने अपना इशू सानू प्रजेंट किया भी सानू ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने मिसबिहेव किया साढ़े नाल, पैसे की भी मंग की गई है, सानू धमकी भी दी गई है। सो मैं इन्हों क्या ठीक है जो भी तुम ग्रीवेंस हैगी साढ़े को रिटर्न च लियाओ, स्टेटमेंट दो ताकि असी कार्रवाई शुरू करिए और जो भी यदा रिजल्ट होएगा इन्वेस्टिगेशन का असी अपने अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ ना भी शेयर करांगे। और जे कसूर साढ़े डॉक्टर का विच निकलता है तो आई थिंक आई वुड बी द फर्स्ट वन टू इनफॉर्म माई हायर अथॉरिटी। एक्चुअली जो कह रहे कि उन्होंने ब्राइब की डिमांड कर रहे थे डॉक्टर की एक्चुअली किस चेंजेस कर रहे थे या किस चीज़ लिए अपने कह रहे हैं ब्राइब की डिमांड? उन्होंने यही किया है, नहीं उन्होंने सिर्फ यही किया कि पैसे मंगेगा, किस चीज़ लिए डिटेल नहीं उन्होंने मैंने दसी। देखो कि अपनी स्टेटमेंट डिटेल देंगे दैट विल कम फॉरवर्ड। उन्होंने यही किया कि मिसबिहेव किया, साढ़े तो पैसे की मंग की गई है और साड़ी इंजरीज प्रॉपरली नहीं इन्होंने मैंशन की। सो लैट हिम गिव इन रिटर्न, अजे तो ये तो मूँह जवानी बोलिया उन्होंने, है ना, लैट इट कम इन रिटर्न, फिर आप कुछ कंक्रीट आप कड सकेंगे और एज पर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह अगे जाएगी तस्वीर पूरी खुलेगी कि गल है कि हाले तक कुछ तुसी जे पहला भी थोड़ा दस्सेगा कि इन्हों चे शिफ्ट की उन्होंने डॉक्टर साहब फॉर द टाइम बिंग जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती उन्होंने ड्यूटी उतों आप शिफ्ट करके होर जगह लगा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन कोई रोड़ा जहा ना हो सके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट हैज़ टू बी डन। जे मतलब किसी की कोई कंप्लेंट आई है फॉर द टाइमिंग जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती वी हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस ताकि आप एक सिचुएशन डिफ्यूज करिए एंड इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर कर सकते। तुहाडे को कंप्लीट उन्होंने रिटर्न आ चुकी है, कंप्लेंट से कि हले देनी है उन्होंने? रिटर्न तो देती है उन्होंने पर अज वो स्टेटमेंट वास्ते आए थे, अज उन्होंने बोर्ड का दिन सी ना, उन्होंने कमेटी के अगे पेश हुए हैं। मैं तो देखो मार्क कर दी, अब कमेटी के अगे पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देनी हैगी। सो लेट सी, फिलहाल अजे दी नहीं है, स्टेटमेंट देंगे फिलहाल डॉक्टर वालों बोर्ड बैठा दिता गया। हाँ वी आर ट्राइंग, कर देंगे असी बाय एंड बाय, वो तो होता ही है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तो ऐसा ही करना होता है। इंक्वायरी में कोई टाइम बाउंड भी किया है कुछ के बेटे? टाइम बाउंड ऐसे है कि ये अब कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है, हमने कमेटी को मैंने आगे दे दी है। सो ये इन्होंने दोनों धड़िया पूछ के उस हिसाब ना ही डेट रखे जी दोनों सूट करती है। ये थोड़ी ना आप कहे कि डॉक्टर को पूछ के रख दी है, एटलीस्ट उन्होंने भी पूछेंगे जेडे कंप्लेनेंट है, इन्हों भी पूछेंगे जो होएगा इन्हों अगे कार्रवाई हैगी कि देर से फिनिश करना। ठीक है, थैंक यू।